रायबरेली में सपा नेता के घर पर चाकू की नोक पर हुई 14,000 रुपए की लूट। रायबरेली में चोरी व लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। जिले के सलोन तहसील क्षेत्र स्थित मदापुर गांव निवासी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर सो रहे बुजुर्ग माता पिता के गले में चाकू लगाकर 14,000 रुपए की नकदी भरी पेटी लूट ले गए। बुजुर्ग ने एक लुटेरे का नकाब खींच लिया, जिसके बाद लुटेरे मौके से भाग निकले। दरअसल सपा नेता व ग्राम प्रधान जागेश्वर यादव का एक मकान सलोन जगतपुर मार्ग स्थित मदापुर गांव के बाहर है, जहां पर रात में बली लगाकर छत के नीचे कमरे में दो लुटेरे पहुंच गए, जहां सो रहे सपा नेता के बुजुर्ग पिता सुखई व वृद्धा को चाकू मार देने का डर दिखाकर बक्से में रखी पेटी बेखौफ लुटेरे ले उड़े। बुजुर्गों को शोरगुल मचाते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बुजुर्ग सलोन थाना में दो अज्ञात लुटेरों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्यवाही किए जाने की मांग की। थाना जी, क्या नाम है आपका? सुखई। कहाँ के निवासी हैं? मदापुर। थाना कौन पड़ता है? वो सलून। क्या घटना हुई है? अरे चोर आए डकई से, डकई से आए, कहा कहते कि लगे हमको चक्कू दिखा करके खटिया पर लेते रहे, उधर नहीं छाप लिया और कहे कि बोलो ना। और वह कहा कहते कि पेटी से सामान ले करके निकल गए, 25,000 रुपया रखा रहा है। और साथ में आपके कौन लेता था? पत्नी मेरी रही है। कहा कि वही जगह गए हैं, कहा कि वो छाप गया है, वो पकड़ नहीं लेके भाग के चमारा बंद कर लिया बाहर से। उनका कुछ सामान आपके हाथ लगा है डकैतों का जो है? वो मुँह का जो बांधे रहे हैं साल वो से दुपट्टा से, वही वो हाथ में हमारे आ गया है। किस रास्ते से आए हैं वो लोग? वो सीढ़िया वो लगा के बल्ली लगा करके ऊपर से चढ़े हैं, चढ़ के जीना से खाली आए हैं, खाली कमरा में पहुँचे रहे। इसके पहले भी कोई चोरी हुई है क्या यहाँ पे? इसके पहले भी कभी चोरी हुई है यहाँ पे आसपास? हाँ, हमारे एक लड़का के पीछे एक दिन पहले हुई है।